कहना चाहता हूँ कि जिनको वोट देके हमने आज प्रधानमंत्री बनाया, जो एक आम आदमी था वो आज खास आदमी बन गया है। आज प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, अर्बन डेवलपमेंट मंत्री छोड़ दीजिए, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिर्फ हवा में रहते हैं, क्योंकि एक वो हवाई मंत्री बन गए हैं। हम सब मिडिल क्लास लोग हैं सर, मिडिल क्लास लोग एक सैलरी पे जीते हैं, हर महीने एक चेक आता है, वो चेक में से आधी चली जाती है रेंट के अंदर, आधी चली जाती है ईएमआई में। ईएमआई हमें भरनी पड़ती है क्योंकि एक मिडिल क्लास आदमी मोबाइल से लेके घर तक, गाड़ी तक, हर चीज़ को ईएमआई पर खरीदता है। और एक बार ईएमआई आपकी मिस हो गई तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खत्म होगी, आपको आगे कुछ नहीं होगा। तो हम सब लोग इतने पीड़ित हैं पिछले 5-5, 7-7 साल से कि आज हमें ना मकान मिल रहा है, इस तरफ ईएमआई हमें पे करनी पड़ रही है। आज जैसे नोएडा एक्सटेंशन में 2010 से शुरू हुआ था बुकिंग और 2012 में ऑलमोस्ट सबका पजेशन ले रहा। अभी वहाँ क्या किया, 95% ले लिया वहाँ से 2012 से, फिर उनका काम रुक गया, फिर नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, वैसे ही वहाँ से 95% किया। दोस्त बिल्डर्स आर फाइनेंसिंग अदर अदर स्मॉल बिल्डर्स, या वहाँ से पैसा लो विद हायर इंटरेस्ट, उनको तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमसे पैसा ले लिया 95%, हमारे पैसे से आगे वो फर्दर मॉर्गेज कर रहे हैं या फिर आगे फर्दर लैंड एक्वायर कर रहे हैं, और हम लोग क्या है, हम लोग से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। मैंने 2010 में बुक कराया 15 लाख में, ठीक है, 2010 से 5 साल हो चुके हैं, मैं ईएमआई 15,000 रुपये दे रहा हूँ, 20,000 रुपये वैसे रेंट दे रहा हूँ, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये मेरे पास टोटल बचते हैं अपने घर के खर्चे चलाने के लिए। हमें बेवकूफ बनाते रहता है, हम एफआईआर कराने जाते हैं, कोई एफआईआर नहीं। बिल्डर बोलता है हम आपको गारंटी देंगे, कभी गारंटी नहीं देता, हम जाते तो बाउंसर हमको मारते हैं। सर आज की डेट में बिल्डर के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, इंक्लूडिंग इन दिस बिल। हम लोग आपके यहाँ आने से पहले बीजेपी के दफ्तर गए थे, रियल एस्टेट एमएलए बिल की मांग किए थे, बस हम लोग यही करते थे, लोग यहाँ बैठे नहीं लोग। और हमें देर से हमें पुलिस की बस में बैठा कर हमें थाने पहुँचा, बस सिर्फ इसलिए कि हमने रियल एस्टेट डिपार्टमेंट बिल की मांग की। ये बिल पास होता है, ये बिल और स्ट्रॉन्ग होगा, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये साइलेंट प्लेस को ये बदल कि ये ज्यादा लोगों को पता ना लगे, चुप्पे चुप्पे से हम इसको साइड से निकाल निकाल बेसिकली होता है, ठीक है। अगर हमने इस पे लाइट लगा दी जोरों से कि भैया देखो ये हो रहा है, और काफी लोगों को पता लग गया कि ये हो रहा है, वो डर जाएंगे, रुक जाएंगे। सर आपसे एक ही उम्मीद है हमारे को, इस बिल को स्ट्रॉन्गेस्ट बिल लाना है, और उस दिन तक जिस दिन तक नहीं आएगा तो उससे हटना नहीं, इस बिल को फॉलो, हम तक आप जिस दिन कहेंगे हम उस दिन जंतर मंतर पे आएंगे, आप जहाँ कहेंगे हम आएंगे। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपको यहाँ आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं आपकी 100% मदद करूँगा। ऐसे तकरीबन 100-200 लोगों से मैं मिला हूँ, मेरी सोच थी कि जमीन के मामले पे किसान को, मजदूर को, आदिवासियों को दबाया जाता है, मगर आज मुझे सीखने को मिला है कि ज़मीन के मामले में मिडिल क्लास लोगों को भी दबाया जाता है। किस प्रकार दबाया जाता है, ट्रांसपेरेंसी को हटा के इनको कहा जाता है कि आपको इस दिन फ्लैट मिलेगा, सालों के लिए फ्लैट नहीं मिलेगा। इनको कहा जाता है कि फ्लैट का एरिया सुपर एरिया इतना होगा, सुपर डुपर एरिया इतना होगा, और अंत में जब फ्लैट मिलता है तो कुछ और मिलता है। इनको बताया जाता है कि आपके फ्लैट के सामने बहुत अच्छी व्यू होगी, अंदर मुझे एक कहानी बताई, कहा गया कि बहुत अच्छी व्यू होगी, फ्लैट लिए गए, कुछ महीने के लिए व्यू रही, उसके बाद एक बिल्डिंग आ गई उसके सामने, व्यू गायब हो गई। और अभी हमारा जो हमने जो बिल रखा था उसको छुपा कर सरकार ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, जो किसानों के खिलाफ काम कर रही है, आदिवासियों के खिलाफ काम कर रही है, वो मिडिल क्लास के खिलाफ भी काम कर रही है। और मैंने इनको आश्वासन दिया है कि जिस प्रकार से मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ, जिस प्रकार से मैं आदिवासियों के साथ खड़ा हूँ,
जिस प्रकार से मैं मजदूरों के साथ खड़ा हूँ उसी प्रकार से मैं इनके साथ खड़ा हूँ। और जो भी राहुल जी मदद कर सकता हूँ मैं पूरे दम से करूँ। धन्यवाद।